हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल लक्ष्य क्लासेस। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज आल्सो नोन एज ईसीजी। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इनको हम दूसरे शब्दों में ईसीजी कहते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी है क्या? हृदय की गतिविधियों को कार्डिक साइकिल यानी हृदय चक्र के दौरान हृदय के अंदर पाई जाने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, वैद्युत गतिविधियों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसी को ईसीजी कहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हर्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल, दैट इज नोन एज ईसीजी। यहां देखिए, ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईसीजी क्या है, ध्यान दीजिए। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज माने है, ये माने एक, ग्राफिकल माने होता है ग्राफ के रूप में, रिप्रेजेंटेशन माने प्रदर्शित करने वाला, किसको? ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल माने वैद्युत, एक्टिविटी माने क्रियाओं को, ऑफ द हार्ट माने हृदय की, ड्यूरिंग माने दौरान, किसके दौरान? कार्डिक साइकिल के दौरान, हृदय चक्र के दौरान, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण की मदद से एक संपन्न किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भावार्थ है वो यही है, ईसीजी क्या है। अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ईसीजी, तो आप उसका उत्तर देंगे, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप आंसर देंगे, यहाँ तक का भाव रिप्रेजेंट करेंगे। ईसीजी क्या है? ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। ईसीजी क्या है? ईसीजी के अंतर्गत हृदय के अंदर पाई जाने वाली वैद्युत क्रियाओं को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। हृदय चक्र के दौरान हृदय के अंदर पाई जाने वाली समस्त वैद्युत गतिविधियों को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और उसी को ईसीजी के नाम से जाना जाता है। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ईसी जो है ग्राफ के रूप में एक प्रदर्शन किया जाता है, किसको? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को, हृदय की वैद्युत क्रियाओं को ग्राफ के रूप में हृदय चक्र के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, उसी को ईसीजी कहते हैं। एक लाइन में याद कर लीजिएगा, ईसीजी इज ए, बस केवल टू पॉइंट याद करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल के दौरान, हृदय चक्र के दौरान हृदय के अंदर पाई जाने वाली समस्त वैद्युत गतिविधियों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से संपन्न करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक वैज्ञानिक नाम, जिनका नाम था इंथोवेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1924 में, इज कॉल्ड द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के फादर के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इंथोवेन, नोबेल प्राइज 1924, इंथोवेन कह सकते हैं, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1924 में,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की डिस्कवरी के लिए, यानी ईसीजी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ ईसीजी, इंथोबेन गॉट द नोबेल प्राइज इन 1924। इंथोबेन महोदय को हृदय के अंदर पाई जाने वाली वैद्युत क्रियाओं को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए 1924 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एंड ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और उन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के पिता के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, जो नीचे वेव्स दी गई हैं। द ई सी जी है पी क्यू आर एस टी वेव्स, जो ई सी जी होती है पी क्यू आर एस टी, इतनी वेव्स होती है, इतनी तरंगे होती हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से पी आर टी जो वेव्स होती हैं, इनको हम पी वेव्स कहते हैं, आर द पॉजिटिव वेव्स, ये धनात्मक वेव तरंगे होती हैं। विकाज दीज आर एबव द बेस लाइन, क्योंकि ये तरंगे जो होती हैं बेस लाइन के ऊपर होती हैं। वाइल माने जबकि, क्यू एस आर द निगेटिव वेव्स, जो क्यू वेव्स होती हैं वो निगेटिव वेव्स होती हैं। विकाज दीज आर बिलो द बेस लाइन, क्योंकि ये बेस लाइन की कहाँ होती हैं, नीचे वाई आती हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम बना गया, देखिए यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, इसको पी कहते हैं, फिर आगे पैरेलल जाती है, सीधे ऊपर चली जाती है, इसको आर कहते हैं, फिर नीचे आती है एस है, फिर आगे टी है, तो पी क्यू आर एस एंड टी। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पी से स्टार्ट हो रहा है, फिगर दिखाया गया है ई सी जी वेव्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो वेव्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है ई सी जी वेव्स को, तो यहाँ से पी से स्टार्ट है, पी क्यू आर एस टी, पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर डाउन हो जाती है शार्पली, फिर पैरेलल जाती है, फिर राइज करती है, फिर नीचे आती है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस तरह की वेव्स आती हैं तो इनको क्या किस नाम से जानेंगे, या इनको हम कैसे संबोधित करेंगे, इसके लिए यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है। पी को कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑब्लिक, इसको सबसे बेटर है कि इसको आप जानिए, अगर पी वेव्स हैं तो इसका मतलब है ऑरिकुलर सिस्टोल, आरिकल में सिस्टोल हो रहा है, आरिकल में संकुचन हो रहा है, जब आरिकल में संकुचन होगा तो उस समय जो लहर उत्पन्न होगी, उस समय जो तरंग उत्पन्न होगी उसको कहेंगे पी वेव्स। ठीक है, अब ये क्यू आर एस तीनों को मिला के एक वेव्स कहते हैं, क्यू आर एस ये तीनों को मिला करके एक वेव्स संबोधित करेंगे, क्यू आर एस, इसको भी कहते हैं डीपोलराइजेशन, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हो गया पी, क्यू आर एस हो गया, बचा टी, टी क्या है, ये भी रिपोलराइजेशन है, इसको कहते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, अगर वेंट्रिकल जो है अपने नॉर्मल अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है, इसको कहते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इसको कहते हैं टी वेव्स। इस तरह से पी क्यू आर एस टी क्लियर हो गया, पी क्या है, डीपोलराइजेशन है, इसको कहते हैं आरिकुलर सिस्टोल, क्यू आर एस क्या है, ये भी डीपोलराइजेशन है, इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के एमसीक्यूज में, पी वेव्स रिप्रेजेंट्स द, तो आप बताएंगे पी वेव्स रिप्रेजेंट द आरिकुलर सिस्टोल, क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट द, तो आप बताएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, टी वेव्स रिप्रेजेंट द, तो आप बताएंगे नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, सो बाय दिस डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हर्ट्स एंड वी कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द वेव्स, आर यू कैन सी अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ द वेव्स जनरेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आरिकुलर सिस्टोल एज वेल एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, ईसीजी जो है इसको हिंदी में समझा दूं, कार्डिक साइकिल, यानी एक लाइन में याद रखिएगा, कार्डिक साइकिल यानी हृदय चक्र के दौरान हृदय के अंदर पाई जाने वाली समस्त वैद्युत क्रियाओं को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसी को ईसीजी कहते हैं। ऑल द
ऑल द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हर्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल दैट इज नोन एज ईसीजी. आर यू कैन सी इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल इज कॉल्ड एज ईसीजी. इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इन थुबिन नामक वैज्ञानिक ने इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1924 में. उसे कहते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ईसीजी में पी क्यू आर एस की वेव्स होती हैं, पी आर टी वेव पॉजिटिव वेव्स होती हैं क्योंकि ये बेस लाइन के ऊपर होती हैं. जो बेस लाइन देखिए पैरेलल नीचे जा रही है. पी क्यू आर एस टी में पी आर टी वेव्स, पी आर टी ये तीनों वेव्स ऊपर होती हैं. देखिए पी एक आर ए टी देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर उठी हुई हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वेव्स होती हैं क्योंकि वेव्स लाइन के ऊपर होती हैं. क्यू और एस जो है वो निगेटिव वेव्स होती हैं क्योंकि ये बेस लाइन की क्या होती हैं नीचे होती है. देखिए क्यू और एस यहाँ दिया गया है निगेटिव है नीचे हैं जबकि देखिए थोड़ा ऊपर उठी हैं, ये भी ऊपर उठी हैं. पी तो पी क्यू पी आर टी जो है बेस लाइन के ऊपर होती हैं उनको पॉजिटिव वेव्स कहते हैं. क्यू एस जो होती हैं बेस लाइन के नीचे होती हैं इनको निगेटिव वेव्स कहते हैं. बाकी मैंने समझा ही दिया. फिर डिपोलराइजेशन है आरिकुलर सिस्टोल. क्यू आर एस जो है डिपोलराइजेशन है इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं. टी जो है रिपोलराइजेशन है इसको कहते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ द वेंट्रिकल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट द यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं पी क्यू वेव्स के बारे में. पी कैसा है, पी वेव्स किसको रिप्रेजेंट करती है आरिकुलर सिस्टोल को. क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल को. एम सी क्यू बनते हैं. टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ द वेंट्रिकल्स को. पी आर टी वेव्स क्या होती है पॉजिटिव वेव्स होती हैं क्योंकि बेस लाइन देखिए नीचे बेस लाइन पैरेलल जा रही है ना. पी आर टी ऊपर उठे हुए हैं ये पॉजिटिव वेव्स हैं जबकि बाकी क्या है क्यू एस जो है वो निगेटिव वेव्स हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. I hope that you must be understand the lectures very well. Thanks to all of you watching the video. Thank you.